भारत कहानियों का देश, जहां किस्से और कहानियां आम बात है। इन्हीं कहानियों में राजा रानी की कहानी और लैला मजनू की कहानी होती है। पर हर कहानी में एक हीरो होता है, वो हीरो जो स्टाइल रखता है, वो हीरो जो डायलॉग मारता है। आदमी अपने काम से पहचाना जाता है, नाम से नहीं। वो हीरो जो रोमांस करता है हीरोइन के साथ, वो हीरो जो लड़ता है। क्या भैया, कहाँ खो गए आप लोग? भी फिल्में देख देख कर पूरे फिल्मी हो गए। अरे भैया, हमारा हीरो स्टाइल लगता है, वो जो बोलता है डायलॉग बन जाता है। अगर जिंदगी में कुछ बनना है तो सपने बड़े देखो, और सपने पूरे मेहनत और सही निर्णय से होते हैं। वो रोमांस करता है अपनी पत्नी के साथ और लड़ता है अपने हालातों से, वो कहलाता है हीरो। एसलीपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड के नए अचीवर, जो 18 महीने में जीरो से हीरो बने, मिस्टर अनुज शर्मा। एमसीडी के ऑफिस में कर्मचारी मिस्टर वेद प्रकाश शर्मा, और ये हैं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मुनीश शर्मा। अपने 3 बच्चों के साथ बिलासपुर ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर में अपना निवास स्थान बना रखा था। दो बेटे एक बेटी। इन्हीं के बड़े पुत्र अनुज का जन्म 11/3/1992 को हुआ। पिता सरकारी नौकरी में थे और अपने परिवार को खुश रखते थे। पिता ने बच्चों की पढ़ाई शुरू करवा दी। शारदा बाल विद्या मंदिर अनुज की प्राइमरी शिक्षा का स्थान बना। 6वीं से 12वीं तक की शिक्षा का स्थान बना राजेंद्र इंटर कॉलेज बिलासपुर। अब समय था उच्च शिक्षा का, पर वो पूरी नहीं हो पाई। पिता सरकारी नौकरी के पक्ष में थे, पर अनुज को सेल्स की नौकरी आकर्षित करती, तो उसे अपनी आय का जरिया बनाया। शुरुआत हुई ICICI की लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ। वहां लोगों से मिलते, उन्हें अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते। शुरुआत धीमी पर सदी हुई।
फिर एयरटेल कंपनी में सेल्स का काम किया। इधर वो अपने हुनर को पहचान रहे थे, उधर पिता ने 28/2/2009 में राधा से शादी करवा दी। राधा प्यार के साथ जिंदगी में जिम्मेदारी भी लेकर आई, तो अनुज ने आय को और बढ़ाने का प्रयास किया। एक नेटवर्क कंपनी पर नजर पड़ी, उसे ज्वाइन कर लिया, पर सपनों को दिखाने वाली कंपनी सपनों को पूरा करने में असफल रही, तो कर्ज ने अनुज को घेर लिया। अपने आप को जितना वहां से बचाते उतना ही फंसते नजर आते, हाथ खाली थे, कर्ज सर पर था, जो बढ़कर 10 लाख से ऊपर हो चुका था। दुखता है दिल, दुखता है। बेटे अंशुल और बेटी परी के जन्म ने जिम्मेदारियों को और बढ़ा दिया। कर्ज और जिम्मेदारी ने अनुज को हताशा के इतने करीब ला दिया कि अब उन्हें कोई आश नजर नहीं आ रही थी। तब एक दिन फेसबुक पर चलाते हुए नजर पड़ी महिपाल सर की प्रोफाइल पर, उनके बारे में जाना, बातों का सिलसिला एक व्यवसाय तक लेकर पहुंच गया। समय की मांग की और मिलने का निर्णय किया। महिपाल सर से मुलाकात हुई, उन्होंने एक कंपनी के बारे में बताया, पर अनुज खाली हाथ थे। उन्होंने उस कंपनी को ज्वाइन करने के लिए 12,000 रुपए का कर्ज लिया। 29/9/2016 को SLPS वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड को ज्वाइन कर लिया। अब सपनों को पूरा करने के लिए नई राह थी और नई ऊर्जा। नई ऊर्जा के साथ चलना शुरू किया। लोगों से मिलना जरूरी था, पर उन्हें मनाना उतना ही कठिन। है तू दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला। तेरी जुनू के आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डाले तू जो फैसला। रूठी तकदीरे तो क्या, टूटी शमशीरे तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो। पर पिछला तजुर्बा साथ था, अपलाइन कमियों को सुधार रहे थे, सफलता के द्वार खुलना शुरू हुए और 20 माह में ब्रोंज, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, एमराल्ड, डायमंड, डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड, गोल्ड डायमंड और रूबी डायमंड के अचीवर बने। अपने आप को कर्ज से मुक्त किया। चश्मा घुमाया पाइना, गाड़ी में गाया गाना, फितरत में दिल की शाम में रंगीन होके आना। चश्मा घुमाया पाइना, गाड़ी में गाया गाना, फितरत में दिल की शाम में रंगीन होके आना। युवान पेड़ चलना, आंखों को फड़फड़ाना, मैं दौर में भी हिट है ये स्टाइल सबने माना। ओ गया हीरो, डंड 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 डंड, आ गया हीरो, डंड 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 डंड, आ गया हीरो, डंड 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 डंड, आ गया हीरो, डंड 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 डंड।
ग्रेटर नोएडा में 4 BHK का लग्जरी होम दिया। अपने सपनों की गाड़ी ली मर्सिडीज बेंज। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। खुशबू रंग लाए परचम हमारा लहराए। और आज अपने परिवार को खुशियों के साथ घुमा रहे हैं। आज अपने पास सारी की सारी ब्रांडेड चीजें लिए हुए, ये सब मिला SLPS वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ। SLPS वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड, गुड प्रोडक्ट, गुड पे आउट, गुड सिस्टम, गुड अपलाइन और गुड कंपनी MD, आपके सपनों की नई दुनिया। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर ली, फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता।